गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टैंडर्ड 7 का मैं आज आपको संस्कृत पढ़ा रही हूँ। चैप्टर भी है 7, सुक्तय। मैंने इसके 4 तक मैंने पढ़ाया था, शायद 5, 6, 7 भी पढ़ाया होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर से ये पढ़ा रही हूँ। इसके फोटो भी मैंने भेजे थे, आपने लिखे होंगे और नहीं लिखे हैं तो आप देखकर लिख लेना, फिर बोलना नहीं कि टीचर आपने फोटो भी नहीं भेजा और पढ़ाया भी नहीं है, फिर भी मुझे याद नहीं है। तो मैं 5 से फिर से चालू करती हूँ कि बुद्धि यश बलम तस्य, बुद्धि यश बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल भी है। आ शक्ति बुद्धि नो महिमा वर्णवे छे, व्यक्ति में रहेली बुद्धि तेनु साचु बल छे। इसमें कहाँ कहाँ है कि जिस व्यक्ति में जो बुद्धि रही है वही उसका सच्चा बल है। मैंने पढ़ाया लेकिन आपको वापिस से रिवीजन करवा रही हूँ, जिसने नहीं सुना हो वो एक बार वापिस ये पढ़ लेना और सुन लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। बुद्धि तेनु साचु बल छे, बुद्धि उसका सच्चा सच्ची ताकत है, बल है। शारीरिक शरीर से ज्यादा अपने में अक्ल हो ना तो अपने कोई भी काम इजी कर सकते हैं। इंसान बुद्धि से कोई भी अपना काम सरल और इजी कर सकता है। इसलिए इंसान को कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धि वाला इंसान होता है ना, वो कहीं भी हिंसा नहीं करेगा, वो पहले सोचेगा और उसका हल निकालेगा, और वो खुद कितनी भी मुश्किली में हो वो आसानी से मुश्किली से बाहर निकल जाएगा। गुजराती में कहते हैं, कहवत है, बुद्धि आगर बढ़ पानी भरे, यानी पानी भरे का मतलब कि जिसके पास बुद्धि हो, चतुराई हो, होशियारी हो, वो किसी के आगे उसकी चलती नहीं है। इसीलिए कहा है कि कितने भी मुश्किल आए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बल थी नहीं, बल यानी ताकत से नहीं, पर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उसमें से काम लेना चाहिए। अब 6 में क्या बताया है, सड्डे शक्ति फलो युगे, सड्डे शक्ति फलो युगे। कलयुग में संगठन में शक्ति होती है। कोई भी तुम अकेले हो और सामने 4 इंसान हो तो तुम अकेले कुछ कर पाते नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास भी 4 दोस्त हो या ऐसे तुम्हारा संगठन हो तो सामने वाला तुमसे डरकर भाग जाता है। कोई भी कार्य करना हो तो उसको संगठन करना पड़ता है। आज अपने घर में कुछ प्रसंग बड़ा हो तो अपने बोलेंगे हम ही अकेले सब कुछ कर लेंगे, तो प्रसंग इतना बड़ा हो सकता नहीं है, क्योंकि एक इंसान कहाँ कहाँ ध्यान रखेगा और किसको किसको जवाब देगा। इसीलिए संगठन होता है। शादी ब्याह होती है तो अपने सब घर के होते वो सब बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, आप आपको बता दो कि हमको क्या काम करना है, तो अपने उनको बताते कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना हो, तो जिनको जो काम बताया होता है वो अपने हिसाब से वो काम करते रहते, इसीलिए कभी भी कोई दिक्कत आती नहीं है और अपने भी शांति से इंजॉय कर सकते कि चलो अपने भी सोचते कि मैंने इनको ये काम दिया है वो काम, और अच्छे से सच में होता भी है। इसीलिए हमेशा कोई भी काम संगठन में होना चाहिए। सम त्याजम, सम होता है वहाँ कभी भी कोई मुश्किल आती नहीं है। सब जाजा हाथ रड़ियामणा, यानी
बराबर, जाजा हाथ रड़ियामणा गुजराती में जाजा हाथ यानी बहुत सारे लोग हो तो वहाँ कोई मुश्किली नहीं आती। कहवत छे जाजी कीड़ियो सर्प ने ताणे, जाजी कीड़ी कीड़ी यानी चींटी। तुम देखना चींटी का समूह भी होता है ना, वो कोई भी चीज में जुड़ती है तो छोड़ती नहीं है, उसमें इतना बल आता है कि उस चीज को भी वो खींच के ले जाती है। कई बार तुम देखना मार्क करना कि चींटियाँ चल रही होगी ना तो एक दूसरे से जैसे अपने बात करते हैं ना, अपने को लगता है ये भी बात करती है, और जो भी चीज़ मिलती है ना तो वो उसकी अकेली नहीं खाएगी, वो पूरी की पूरी उनकी झुंड आएगी। दो मिनट में तो कीड़ी जैसे इतनी सारी इकट्ठी हो जाएगी कि अपने को खुद को भी नहीं पता होता है कि इतनी सारी कीड़ी चींटी कहाँ से आती है, बराबर। तो चीज़ को फिर धीरे 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 घसीट के वो अपने दल के पास ले जाती है। तो जाजा हाथ रड़ियामणा, शरीर माग खलु धर्म साधनम। लास्ट में क्या कहा है के शरीर, शरीर धर्म धर्म का पहला साधन है, क्योंकि अपने हल चलते फिरते घूमते हैं कुछ भी है, अगर अपना शरीर ही साथ ना दे तो अपने कुछ कर पाते नहीं है। और शरीर एक अपने आत्मा का मंदिर है, क्यों? क्योंकि शरीर ही कहता है कि चलो अपने आज मंदिर में जाएंगे, शरीर ही कहता है चलो आज अपने घूमने जाएंगे। अगर शरीर में थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो मन और आत्मा कुछ कर पाती नहीं है, क्योंकि मन तो कहती है चल आज अपने घूमने जाएंगे, लेकिन शरीर क्या कहता है, नहीं आज मेरा शरीर अच्छा नहीं है, मेरे सर में दर्द है या मेरे पैर में दर्द है। तो जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन और आत्मा भी स्वस्थ रहती है। तो शरीर से ही सब कुछ होता है, सोच भी अपने शरीर स्वस्थ रहता है तो अपनी सोच भी अच्छी रहती है। दुनिया में मनुष्य बराबर परमात्मा को प्राप्त करता है और उसका साधन है। मनुष्य उनके माता पिता गुरुजनों देश बांधवों प्रति फर्ज बजाता है और यही फर्ज अपना धर्म होता है। अपने जो भी धर्म करते हैं, जो भी अपने है, तो अपने कहते हैं ना नहीं हम कोई बुरा काम करने जाओ तो तुरंत अपना धर्म अपने आगे आता है कि नहीं भाई हम ये खराब काम कर सकते नहीं है, अपना मन मानता ही नहीं है और अपने धर्म का पालन करते है। तो ये किससे करते हैं, शरीर से ही करते है। तो शरीर अगर मनुष्य को स्वस्थ रखता है तो अपने ये सब कुछ काम कर सकते है, और शरीर ही स्वस्थ ना रहे तो मन या आत्मा कुछ कर सकती नहीं है। इसीलिए हमेशा शरीर स्वस्थ रहने के लिए अच्छे से विचार करो, अच्छा खाओ पियो, तंदुरुस्त रहो तो तुम्हारा शरीर साथ देगा, तो तुम्हें ये सब काम करने की इच्छा रहेगी। तो ये मैंने आपको सेवन सुक्त यह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और मैंने इसके डाइजेस्ट के फोटो भी मैंने आपको भेजे थे, आज वापिस भेजती हूँ, जिसने नहीं लिखा हो वो उसमें से ट्रांसलेशन करके लिख लेना। ओके बाय।